हेलो ये वेलकम टू अनलॉक जी एस अकेडमी चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का फोर्थ सेशन जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रीवियस एटीन टॉपिक हम प्रीवियस थ्री सेशन में कवर करा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपिडा के बारे में देन हम जानेंगे बायोस्पर रिजर्व के कॉन्सेप्ट के बारे में इंडियन राइनोस जिसको हम वन हॉर्न राइनोस भी बोलते हैं जानेंगे इसके बारे में अभी एक पहाड़ी इथेनिक ग्रुप को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में क्लियरेंस दिया गया है तो जानेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किस तरीके से नोटिफाई किया जाता है इंटरनेशनल काउंटर रेंसम बेयर इनिशियेटिव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन ये क्वेश्चन अभी एपिडा के द्वारा मिलेट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं उस पर बेस्ड है इसमें आपके सामने तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे यह कहा गया है कि जो मिलेट है एक कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस होती हैं जो कि उग सकती हैं आपकी ड्राई एरियाज में टेम्परेट रीजन्स में सब ट्रॉपिकल में और ट्रॉपिकल रीजन्स में यानी कि समशीतोष्ठ उपोष्ठ कटबंधीय उष्ण कटबंधीय क्षेत्रों में इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया की जो रैंक है फिफ्थ है ग्लोबल मिलेट ट्रेड्स और एक्सपोर्ट में और इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो वन परसेंट से ज्यादा है थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एपिडा एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि मिलेट्स एक कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस होती हैं जो कि आपके ड्राई एरियाज में उग सकती हैं है, टेम्परेट रीजन्स में उग सकती हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में इनको उगाया जा सकता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया की रैंक है फिफ्थ इन ग्लोबल मिलेट के ट्रेड्स और एक्सपोर्ट में और उसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो मोर देन वन परसेंट है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि फिफ्थ ग्लोबल मिलेट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट में भारत तो शामिल है भारत है लेकिन इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो लेस देन वन परसेंट है ना कि एक परसेंट से ज़्यादा इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि एपिडा एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बन ओनली चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अपीडा ने अभी जो मिलेट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है फाइनेंशियल ईयर छब्बीस तक दो करोड़ तक और एपिडा के द्वारा इसको अचीव किया जाएगा बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यू एडेड और जो प्रोसेस जो ऑर्गेनिक मिलेट्स प्रोडक्ट हैं उनको कम से कम 100 कंट्री के अंतर्गत एक्सपोर्ट करके अगर हम इंडिया की अभी बात कर लें तो इंडिया की रैंक फिफ्थ है ग्लोबल मिलेट के ट्रेड और एक्सपोर्ट में और साथ ही साथ इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो लेस देन वन परसेंट है अगर हम बात करें 2021 22 की तो मिलेट का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो लगभग 460 करोड़ हुआ था और 2026 तक हमें कितना करना है दो करोड़ तक ले जाना है अगर हम मिलेट की बात करें तो ये कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ जो स्मॉल सीडेड जो छोटे बीज होते हैं उनकी एनुअल ग्रासेस होती हैं जो कि आपकी किसी भी मार्जिनल लैंड्स पर ड्राई एरियाज पर टेम्परेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स पे इनको उगाया जा सकता है अगर हम बात करें इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का ये एट्टी ऑफ एशिया के प्रोडक्शन और ट्वेंटी ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शंस को शामिल करता है इसके अलावा जो इसके जो मेजर मिलेट ग्रुप्स हैं भारत के अंतर्गत वह है आपके बाजरा जो कि हाइएस्ट शेयर है मिलेट्स के अंतर्गत सेकेंड है ज्वार और थर्ड है फिंगर मिलेट जिसको हम रागी के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं भारत के अंतर्गत वह है राजस्थान आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात एंड हरियाणा मिलेट के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेट का प्रोडक्शन होता है इसके अलावा इसके लिए कोई हाई मैकेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती हाई मशीनरीज की इसके अंतर्गत ज़रूरत नहीं होती साथ ही साथ ये सूखे की स्थिति में भी इसको उगाया जा सकता है साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत इंडिया ने प्रपोज किया था कि 2023 का जो वर्ष है वह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया तो 2023 का जो वर्ष होगा वह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको मनाया जाएगा इसके अलावा 2018 में भी नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट किया गया था भारत के अंतर्गत मिलेट को नोटिफाई किया गया है एक न्यूट्री सीरियल्स के रूप में जो कि आपके इंक्लूड किए गए हैं जो हमारा पोषण अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत भी इस अभियान के अंतर्गत स्टंटिंग और जो बेस्टिंग और जो आपके माल न्यूट्रिशमेंट और जो कुपोषण की समस्या है उसको रोकने के लिए कुछ टारगेट्स दिए गए हैं तो उसके लिए मिलेट्स को इसमें न्यूट्री सीरियल्स के रूप में इसको नोटिफाई किया गया है साथ ही साथ इसको अगर हम बात कर लें एपिडा के बारे में तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट उन्नीस के अंतर्गत और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इसके अलावा इस बॉडी का ये प्रयास होता है कि ये डेवलप करे मार्केट को साथ ही साथ उसको अपग्रेड करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए जिससे भी जिससे कि भी जो एग्री जो प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया जा सके तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मिलेट बेस्ड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बायोस्पर रिजर्व से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया है कि जो बायोस्पर रिजर्व है एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दिया जाता है किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा फोर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप के लिए केबल सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मैन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था उन्नीस में यह एक इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है कि वे साइंटिफिक बेसिस वैज्ञानिक आधार तैयार कर सके फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और उसके एनवायरमेंट के बीच में इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कोर जोन होता है वह एक प्रोटेक्टेड रीजन होता है बायोस्पेर रिजर्व के अंतर्गत जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में होता है और ये फ्री होता है फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस से तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बायोस्फेर रिजर्व है एक इंटरनेशनल इसको डेजिग्नेशन दिया जाता है किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा और ये एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है नेचुरल लैंडस्केप का ओनली तो इसमें ये नेचुरल का ही नहीं केवल ये कल्चरल और जो मिक्स्ड जो वो होते हैं मिक्स्ड लैंडस्केप होते हैं उसको भी ये डेजिग्नेट करता है तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मैन एंड बाइस पर प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था नाइनटीन में और ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है कि ऐसा वैज्ञानिक आधार तैयार किया जाना जिससे कि पीपल और उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन को स्थापित करते हुए उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सके तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कोर जोन होता है बायोस्पियर रिजर्व का वह ऐसा रीजन होता है जिसको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है नेशनल पार्क और सेंचुरी जैसा इसके अलावा ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से यह फ्री होता है तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू एंड थ्री चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी नवंबर थ्री को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्पेयर रिजर्व को सेलिब्रेट किया गया जिसकी बिगनिंग की गई है 2022 से और ये फर्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फर रिज़र्व था अगर हम बायोस्फर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा और इसके अलावा ये जो रिप्रेजेंटेटिव करता है नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप को साथ ही साथ ये लार्ज एरिया ऑफ टेरिस्ट्रियल कोस्टल और जो मरीन इकोसिस्टम है साथ ही साथ इनके जो कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि बेडलैंड्स वगैरह तो उनको भी ये डेजिग्नेट कर सकता है इसके अलावा जो बायोस्पेर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जो नेशनल पार्क थे तो उसके अंतर्गत जो ह्यूमन इंटरफेरेंस पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इसके कारण से वहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप थे वह उसमें जो नेचर के साथ जीने की उनकी जो कंडीशनिंग है तो उसके कारण से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको काफ़ी समस्या आ रही थी तो इसके कारण से बायोस्पेयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया जिसके अंतर्गत ये बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बीच में साथ ही साथ ये मेंटेनेंस स्थापित करता है जो कि वहाँ की कल्चरल वैल्यूज हैं जो कि आपके ट्राइबल्स ग्रुप की हैं साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के बीच में बाइस पर रिजर्व है एक स्पेशल एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है फोर्थ बोथ पीपल एंड नेचर के लिए इसके अलावा इसका जो लिविंग एग्जाम्पल है कि ह्यूमन और एनवायरमेंट नेचर एक साथ किस तरीके से को एक्जिस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ वह एक दूसरे की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो क्राइटेरिया क्या होता है इसको डेजिग्नेज करने का बायस पर रिजर्व को तो ये इस यो साइट होती है वह कंटेन करना चाहिए प्रोटेक्टेड एंड जो मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया इसके अंतर्गत होना चाहिए और इसमें वैल्यू स्थापित होनी चाहिए नेच नेचुरल कंजर्वेशन की साथ ही इसमें जो लोकल कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए और वह अपनी नॉलेज का जो ट्रेडिशनल उनकी नॉलेज है वह बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करती हो साथ ही साथ वो एरिया ऐसा हो जिसमें प्रिजर्वेशन किया जाए ट्रेडिशनल ट्राइबल्स और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग का इसके अलावा इनका जो हारमोनियस यूज़ किया जा सके एनवायरमेंट के साथ इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके थ्री मेन जोन्स होते हैं बायोस्पेयर रिजर्व के इसके सेंट्रल में होता है कोर एरिया ये एक मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्पेयर रिजर्व का इसके अंतर्गत जो एंडेमिक प्लांट्स और जो एनिमल होते हैं वह इसके अंतर्गत स्थापित होते हैं इसके अलावा इसमें जो कंजर्व किया जाता है वाइल्ड रिलेटिव्स को ऑफ इकोनॉमिक स्पीसीज साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक रेजरवायर हैं जो कि एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस है उसके रूप में इसके अलावा जो कोर जोन होता है ये प्रोटेक्टेड रीजन होता है जैसे कि नेशनल पार्क होते थे पहले होते हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इनको स्थापित किया जाता है नेशनल पार्क और सेंचुरीज uh, को तो उसी तरीके का प्रोटेक्शन इसके बायोस्फेयर रिजर्व के कोर जोन्स को होता है और ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से ये फ्री होते हैं इसके अलावा जो इसका जो सेकंड एरिया होता है इसके बाद वो होता है बफर जोन इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये कोर जोन को सराउंड करता है और इसलिए जो एक्टिविटी मैनेज करता है जिससे कि जो कोर जोन है उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना हो इसमें इंक्लूड होता है रीस्टोरेशन साथ ही साथ लिमिटिंग टूरिज्म भी इसमें प्रमोट किया जाता है फिशिंग और ग्रेजिंग भी गाय वगैरह इसमें चला सकते हैं इसके अलावा इसमें परमिट होता है जो कि गतिविधियां परमिट होती हैं इन कंपैरिजन टू कोर जोन के साथ ही इसमें रिसर्च एंड एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वह भी इसमें इंकरेज की जाती है तो ये जो बफर जोन होता है एक तरीके से कोर एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है साथ ही इसका जो थर्ड एरिया होता है वह ट्रांजिशन जोन होता है ये एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फेयर रिजर्व का ये एक ऐसा जोन होता है जिसके अंतर्गत जो ह्यूमन बेंचर्स हैं साथ ही साथ जो कंजर्वेशन है उनको एक दूसरे के साथ हारमोनी के साथ रखा जाता है उनको कॉपरेट किया जाता है इसके साथ इसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं क्रॉप लैंडस भी हो सकते हैं मैनेज इस फॉरेस्ट इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं साथ ही इसको इकोनॉमिक यूज के रूप में भी इस एरिया को यूज किया जा सकता है अगर हम इसको इसमें समझने की कोशिश करें तो ये कोर जोन है जिसके अंतर्गत केवल आपकी मॉनिटरिंग की जाती है इसके अलावा जो आपका ये बफर जोन है इसके अंतर्गत आपकी टूरिज्म या रिक्रिएशन कर सकते हैं साथ ही साथ आपका इसके अंतर्गत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जा सकती है ह्यूमन सेटलमेंट भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं बफर एरिया के अंतर्गत इसके अलावा ये ट्रांजिशन एरिया होता है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इसको एक रिसर्च स्टेशन भी होता है यहाँ यहाँ पर जिसमें रिसर्च एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है साथ ही साथ यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंतर्गत 18 बायोस्फेयर रिजर्व हैं जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट देन उत्तराखंड में नंदा देवी सिक्किम में कंचनजंगा मानस और दिब्रु सकोबा ये आपके आसाम में स्थित हैं देहांग और दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और मेघालय में ये नोकरेक सुंदरबन ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है सिमलीपाली यह आपका उड़ीसा में है यह अचानक मार्ग और अमरकंटक है यह आपका छत्तीसगढ़ में है इसका अलावा ये जो आपका पन्ना है वे मध्य प्रदेश में पंचमणी मध्य प्रदेश में कक्ष गुजरात में इसके अलावा जो सेसाचलम है यह आपका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है जो कि अपनी लाल चंदन की लकड़ियों के लिए जाना जाता है और जो नीलगिरी है ये बॉर्डर पर स्थित है केरल आपका कर्नाटक और आपके तमिलनाडु के बीच में इसके अलावा ये तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है और ये केरल में अगस्ता मलैया स्थित है और ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत ये ग्रेट निकोबार इसके अंतर्गत बायोस्पर रिजर्व है तो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जम्मू कश्मीर राजस्थान और ये आपका महाराष्ट्र इसमें किसी भी तरीके के बायोस्पर रिजर्व स्थित नहीं है पूरे इंडिया में 18 बायोस्पर रिजर्व स्थित हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इनके इंटरनेशनल स्टेटस की बायोस्पर रिज़र्व के तो यूनेस्को के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनको डेजिग्नेट किया जाता है जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच का उसको मिनिमाइज़ किया जा सके साथ ही साथ इनको जो नॉमिनेट किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जिसके अंतर्गत जो मैन एंड बायोस्पर रिजर्व प्रोग्राम है यूनेस्को का उसके जो मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया हैं उस वो अगर पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है और अगर हम पूरे अभी वर्ल्ड की बात करें तो 738 थर्टी एट बायोस्पेयर रिजर्व हैं जिसमें स्पेन में सबसे ज़्यादा बायोस्पेयर रिजर्व स्थित हैं 134 कंट्री के अंतर्गत और जो 22 टू ट्रांसपॉन्ट्री साइट्स पर भी ये कुछ बायोस्पेयर रिजर्व स्थित हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैप प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्पेयर रिजर्व जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 12 बायोस्पेयर रिजर्व ऐसे हैं भारत में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है मैप प्रोग्राम के अंतर्गत जिसमें नीलगिरी जो कि फर्स्ट टाइम इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया था देन गल्फ़ ऑफ मन्नार सुंदरबन नंदा देवी नौकरेक पंचमणि सिमलीपाल अचानक और अमरकंटक एंड ग्रेट निकोबार मलाई कंचनजंगा पन्ना जो कि अभी रिसेंटली ही इस बायोस्पेयर रिजर्व को मैप प्रोग्राम में अभी शामिल कर लिया गया है तो जो टोटल 18 जो हमारे जो बायोस्फेयर रिजर्व हैं उसमें से 12 ही मैप प्रोग्राम में शामिल हैं इसके अलावा अगर हम बात करें मैन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम की तो ये लॉन्च किया गया था 1971 के अंतर्गत ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है कि साइंटिफिक बेसिस तैयार किया जा सके फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देयर एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच में अगर हम बात करें बायोस्पेयर कंजर्वेशन की तो ये स्कीम है जिसको बायोस्पेयर रिजर्व जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 से इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड कराया जाता है 1910 फॉर नॉर्मल स्टेट के लिए इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं उसके लिए सिक्सटी फोर्टी इसकी फंडिंग रहती है साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है मैनेजमेंट एक्शन प्लान जो कि अप्रूव किया जाता है और उसको मोनिटर किया जाता है सेंट्रल की जो आपकी मैप कमेटी होती है उसके द्वारा तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बायोस्पर रिजर्व से संबंधित चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन राइनोस से संबंधित है जिसको हम वन हॉर्न राइनोस भी बोलते हैं इसके अंतर्गत आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडियन राइनो है एक लार्जेस्ट है इन राइनो स्पीसीज के अंतर्गत सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ये नेचुरली फाउंड होता है इंडिया में केवल थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो आयुषियन स्टेटस है इंडियन राइनो का वह इंडेंजर्ड है तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंडियन राइनो एक लार्जेस्ट है राइनो स्पीसीज के अंतर्गत तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि बन हॉर्न जो राइनोसोरस है ये नेचुरली फाउंड होता है इंडिया में केवल तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये नेपाल भूटान और अन्य देशों में भी ये पाया जाता है इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका जो आयुषियन स्टेटस है इंडियन राइनो का वह इंडेंजर्ड है तो इसका आयुषियन स्टेटस इंडेंजर्ड नहीं बल्कि बल्नरेबल है तो इसलिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हो जाते हैं इसलिए इसका जो आंसर है वह है बन ओनली चलिए देख लेते हैं अब इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी हाल ही में स्टडी स्टडी हु, हुई जिसने पब्लिश किया कि जो लेटेस्ट एडिशन है प्यूपल एंड नेचर जो कि ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा निकाला जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि जो हॉर्न ऑफ जो रायनोसॉरस हैं वे कब छोटे होते जा रहे हैं ओवर द टाइम और इसका कारण क्या है उनकी हंटिंग किया जाना अगर हम वन हॉर्न राइनोसोरस की बात करें तो ये इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है ये एक लार्जेस्ट है राइनो स्पीसीज के अंतर्गत ये इनकी जो पहचान की जाती है एक इनके सिंगल ब्लैक होर्न से की जाती है साथ ही इनके ऊपर जो ग्रे ब्राउन हाइड लगे होते हैं और स्किन इनकी फोल्ड फोल्डेड रहती है इसके अलावा इनके फूड की बात करें तो ये प्राइमरली ये ये ग्रेस करते हैं ये चढ़ते हैं आपकी जो ग्रासेस होती हैं लीव्स होती हैं जो ब्रांचेस और जो श्रब्स और ट्रीज होती हैं फ्रूट्स और जो एक्विडिक प्लांट्स होते, है, होते हैं वे इसके फूड होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन की तो इसको आयुषियन स्टेटस में इसको बल्डरेबल प्रोटेक्शन दिया गया है जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल वन में इनको रखा गया है इस जो एक्ट के अंतर्गत छः शेड्यूल होती हैं जिसमें उसको शेड्यूल वन के अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन दिया गया है इसके अलावा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं उसमें तीन अपेंडिक्स होती हैं जिसके अपेंडिक्स वन में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है इसके अलावा इसके अदर प्रोटेक्शन एफर्ट्स भी इसके लिए किए गए हैं जैसे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी एशियन राइनोस की 2019 में इसको साइन किया गया था फाइव राइनो जो रेंजेस हैं जैसे कि इंडिया भूटान नेपाल इंडोनेशिया और मलेशिया ने फोर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्पीसीज के लिए इंडियन राइनोस की प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा भी एफर्ट किया गया है कि इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग किए जाए फॉर ऑल द राइनोस हैं इन द कंट्री साथ ही साथ एक नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी बनाई गई है साथ ही इंडियन राइनो विजन 2020 हजार 2020 के नाम से जानते हैं जिसको दो दो में लॉन्च किया गया था इसका जो उद्देश्य था कि इंक्रीज़ करना राइनो की पॉपुलेशन को इन आसाम थ्री साथ ही साथ इसकी जो पॉपुलेशन को अदर भी रीलोकेट करना अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंतर्गत जो राइनो की स्पीसीज़ हैं उनके बारे में तो अगर वाइट राइनोज की बात करें तो ये नियरली थ्रेटनड है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीजिंग स्टेट में है इसके अलावा जो ग्रेटर बन हॉर्न राइनो है जिसको इंडियन राइनो के नाम से जानते हैं तो इसकी जो पॉपुलेशन है इंक्रीजिंग स्थिति में है और ये बलनेरबल इसका आयुषियन स्टेटस है ब्लैक राइनो की बात कर लें तो ये क्रिटिकली इंडेसड है इसके अलावा जो जावन राइनो की बात करें तो ये भी क्रिटिकली इंडेंसड है और जो सुमात्रन राइनो है वह भी क्रिटिकल ही इंडेंसड है तो इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं ब्लैक जावा और सुमात्रन को ये तीनों ही जो स्पीसीज हैं ये क्रिटिकली इंडेंसड हैं इसके अलावा जो हमारे इंडिया में पाया जाता है ये बलनेरेबल स्थिति में है इसके अलावा जो व्हाइट राइनो है ये आपका नियरली थ्रेटन है तो यह हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इंडियन राइनो के बारे में चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डिफाइन करता है टर्म शेड्यूल ट्राइब्स को साथ ही साथ इसके क्राइटेरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए शेड्यूल ट्राइब्स को ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्टिकल 342 है ये एम्पावर करता है गवर्नर को कि वे नोटिफाई कर सके शेड्यूल ट्राइब्स को थर्ड थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये सेटअप किया गया था 2004 में जो कि इसके अंतर्गत न्यू आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में 338 ए को इंक्लूड किया गया था 89 नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो के अंतर्गत तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इस पर ध्यान दीजिएगा इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्राइटेरिया हैं उसकी टर्म्स को तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको डिफाइन नहीं किया गया इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आर्टिकल 342 है वे एम्पावर करता है गवर्नर को कि वे नोटिफाई करें इन ट्राइब्स को तो गवर्नर को नोटिफाई नहीं करने के लिए ये कहता बल्कि ये प्रेसिडेंट के लिए कहता है कि प्रेसिडेंट इनको नोटिफाई करेगा आर्टिकल 342 के अंतर्गत थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये सेटअप किया गया था 2004 में जो कि इसमें न्यू आर्टिकल 338 ए को इंसर्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट्टी जो कि दो में किया गया था तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए इसमें हमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए वन एंड टू ओनली चलिए देख लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके द्वारा जो क्लियर कर दिया गया है जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट के अंतर्गत जो कि यूटी में जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है अगर हम शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स की बात कर लें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके की डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब से संबंधित या ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं दिया गया कि शेड्यूल ट्राइब्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा तो इसके अंतर्गत किसी भी तरीके का डेफिनेशन नहीं दी गई है इसके अलावा आर्टिकल 342 जो दिया गया है शेड्यूल ट्राइब से संबंधित उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वे नोटिफाई कर सकता है ट्राइब्स को इसके अलावा अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो ये सेटअप किया गया था 2004 में एक आर्टिकल इसमें इंसर्ट किया गया था 338 ए को इसके अलावा ये जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया था एट्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो के अंतर्गत अगर हम जो पहाड़ी कम्युनिटी है जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसकी अगर हम बात करें तो ये ये पीपल हैं जो लोकल पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं साथ ही साथ इनका जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं अगर हम करेंटली अगर हम बात कर लें जम्मू एंड कश्मीर में ट्वेल्व कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में इनको नोटिफाई किया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो प्रोसीजर क्या होता है शेड्यूल ट्राइब्स को नोटिफाई करने का तो सबसे पहले जो स्टेट होते हैं उसके गवर्नर और जो आपकी यूटीस होती हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर वे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में किस इथेनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको प्रपोजल को भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स के पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उससे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स से इसकी एन लेती है साथ ही साथ उसको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि पॉपुलेशन से संबंधित डेटा को रखता है तो उससे भी इसकी एन लेनी पड़ती है फिर इसके बाद क्या होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है उस बिल को पार्लियामेंट में पेश करती है और उस बिल के द्वारा ये अमेंडमेंट करती है जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर से संबंधित अभी पहाड़ी इथेनिक ग्रुप की बात करें तो इसमें शेड्यूल शुडु, ट्राइब जो ऑर्डर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एस टी ऑर्डर नाइनटीन है उसके अंतर्गत अमेंडमेंट किया जाएगा और इसके अंतर्गत जैसे पहाड़ी इथेनिक ग्रुप को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा फाइनली क्या होगा इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट इसको नोटिफाई कर देगा और जो रिवाइज जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर होगा उसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा तो ये सारा जो होता है ये जो प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है वह आर्टिकल 342 के अंतर्गत वह नोटिफाई करता है इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब से संबंधित एक पीबीटीजी का भी कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलरली बलनेबल ट्राइबल ग्रुप का इसके अंतर्गत ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग हमारे इंडिया के अंतर्गत एट है टोटल पॉपुलेशन की अगर हम पी की बात कर लें तो ये ट्राइबल ग्रुप्स में भी मोर बल्नरेबल ग्रुप्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत और इसके कारण से इनको और इनके डेवलपमेंट के लिए इनके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स की आवश्यकता होती है जिसके कारण से इनको अलग से आइडेंटिफाई करने की रिकमेंडेशन दी गई थी इन 1973 की अगर बात करें तो डेवार तो कमीशन था जिसने एक प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था सेपरेट कैटेगरी के रूप में जो कि लेस डेवलप्ड थे द ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत 2006 में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पी जो कि देवार कमीशन के द्वारा बनाई गई थी प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स उसको पीबीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली बलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया उसको रीनेम कर दिया गया इसके अलावा अगर हम बात करें नाइनटीन की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था इसको जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में जिसको हम पी बी कहते हैं उस समय इन्होंने 52 सच ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था लेकिन 1993 में इसमें 23 और ऐड कर दी गई तो जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई 75 हो गई तो अभी हाल की बात करें तो 75 फाइव हमारे भारत में शामिल हैं अगर हम टोटल की बात कर लें तो 705 हमारे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसके अंतर्गत 75 फ़ाइव शामिल हैं अगर हम बात करें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पी बी ट्राइब के ये एक तरीके से होमोजीनियस होती हैं एक साथ रहती हैं इसके अलावा ये स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं इनकी ये फिजिकली आइसोलेटेड रहती हैं अंडमान निकोबार की जो पेंट सोमपेंट ट्राइब है वे एक तरीके से आइसोलेटेड वे में रहती है इसके अलावा इनमें कोई रिटर्न लैंग्वेजेस नहीं होती और ये काफ़ी मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी और जो स्लोअर रेट ऑफ चेंजेस इनके साथ होते हैं अगर हम बात करें तो अभी सेवेंटी फाइव लिस्ट जो पी बी हैं भारत में स्थापित हैं इसके अलावा अगर हम बात करें किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं तो वह उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पी बी टी जी ट्राइब हैं इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी वह भी उड़ीसा से आती हैं तो सबसे ज़्यादा पी बी टी चीज कहाँ पर हैं वो एक ट्राइबल महिलाएं हैं तो वे पी जी सबसे ज़्यादा कहां पर हैं उड़ीसा के अंतर्गत हैं ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया शेड्यूल ट्राइब से संबंधित चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल काउंटर रेंसम बियर इनिशिएटिव सीआरआई से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सी है एक ग्रुपिंग है थर्टी कंट्री का जिसमें इंडिया भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन का जो कि जिसका एम है कि जो रेंसम अटैक्स हैं उनको डिस्टर्ब करें साथ ही साथ स्ट्रेंथन करे इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा को सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया अलोंग विथ जो फ्रांस है ये लीड करते हैं नेटवर्क रेजिलेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ सीआरआई को तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो सीआरआई है इंटरनेशनल काउंटर रेंसम इनिशिएटिव है ये एक 36 कंट्री के ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन भी इसके अंतर्गत शामिल है जो कि डिस्ट्रप्ट करती है रेंसम वेयर अटैक और स्ट्रेंथन करती है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा को तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंडिया अलॉन्ग विथ फ्रांस तो फ्रांस के साथ नहीं बल्कि लिथुआनिया के साथ भारत लीड करता है नेटवर्क ऑफ रेजिलेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ सी को तो ध्यान रखिएगा इंडिया लिथुआनिया के साथ ये लीड करता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बन ओनली चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी जो रैंसम अटैक को जो इसकी ये लगातार ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं इसके अलावा जो सी है ये इसने डिसाइड किया है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल कोलेब्रेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा इसके अलावा जो सी है ये ग्रुपिंग है 36 कंट्री की जिसमें इंडिया भी शामिल है इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है जिसका उद्देश्य है कि रेंसम अटैक को डिस्टर्ब करना और इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा को स्ट्रेंथन करना इंडिया ने अलोंग विथ लिथुआनिया के साथ मिलकर लीड करता है नेटवर्क ऑफ रेजिल्स वर्किंग ग्रुप ऑफ सी को इसके अलावा अभी रिसेंट समिट सी की इसने डिसाइड किया है कि इस्टेब्लिश करेगा इंटरनेशनल काउंटर एंसम्बियर टास्क फोर्स को जो कि कोऑर्डिनेट करेगी रेजिलेंस डिस्ट्रप्शन एंड काउंटर इलिसिट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए इसके अलावा भारत के द्वारा भी अभी कुछ महीने पहले भारत के द्वारा जो सर्ट इन है उसके द्वारा एक सिनर्जी एक्सरसाइज भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अभी आयोजित की गई थी तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सी से संबंधित चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रेंट बेस्ट सब्सिडी स्कीम से संबंधित जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी है ये डिसाइड होती है एनुअल बेसिस पे साथ ही साथ इसकी जो ईच ग्रेड होती है सब्सिडाइज जो कि फॉस्फेटिक और जो पोटासिक होते हैं और जो यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है उसके आधार पर इनको तय किया जाता है इन सब्सिडीज को सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यह स्कीम है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि बैलेंस यूज किया जा सके फर्टिलाइजर्स का साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो कृषि उत्पादकता है उसको इम्प्रूव किया जा सके तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइड की जाती है एनुअल बेसिस पे वह किसके आधार पर कि जो पो फॉस्फेटिक और जो पोटासिक और यूरेन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स कितने हैं इनके अंदर उसके आधार पर यह सब्सिडी दी जाती है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्कीम है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़र्टिलाइजर के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंतर्गत आता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़र्टिलाइजर है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंतर्गत आता है इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो उद्देश्य है कि ये इंश्योर करता है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का इसके अलावा जो एग्रीकल्चर कृषि उत्पादकता है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करता है तो इसमें तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वन एंड थ्री ओनली तो इसमें जो ऑप्शन गलत है ये वन एंड थ्री होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी वन एंड थ्री ओनली चलिए देख लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी क्या हुआ है इसका आंसर वन एंड थ्री ओनली है जो कि बी आंसर है इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो इसने ह्यूज इंक्रीज़ किया है जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो न्यूट्रेंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनको जो रबी रबी सीजन आने वाला है उसके लिए क्योंकि ग्लोबली रूप में अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइजर्स की जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं तो इसके कारण से गवर्नमेंट ने इनकी जो सब्सिडी को इंक्रीज़ करने के लिए कहा है अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो प्रोग्राम है फर्टिलाइजर्स के लिए ये इनिशिएट किया गया था 2010 के अंतर्गत अगर हम बात करें इस स्कीम के अंतर्गत एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइड की जाती है एनुअल बेसिस के आधार पर ये किस आधार पर की जाती है कि जो फॉस्फेटिक और जो पोटैसिक है फ़र्टिलाइजर्स लेकिन इसके अंतर्गत यह है कि इसमें यूरिया को शामिल नहीं किया जाता बल्कि जो आपके फॉस्फेटिक और पोटैसिक होते हैं फर्टिलाइजर वही इसके अंतर्गत शामिल होते हैं तो इसको अगर हम पीछे क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया था जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था इसमें यूरिया फर्टिलाइजर भी दिया है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा इसलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा थ्री ओनली ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में और जो स्कीम है जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसके अलावा इसका जो रिसेंट डेवलपमेंट है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको किया गया है जो अप्रूव किया गया है प्रपोजल टू डिपार्टमेंट ऑफ़ फर्टिलाइजर्स के द्वारा कि ये कंटिन्यू होगी हो जो न्यूट्रेन बेस्ड सब्सिडी है दो हजार -20 से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है अगर हम बात करें कंटिन्यूशन ऑफ वो बेस्ड सब्सिडी की स्कीम की तो यह इंश्योर करती है कि एडुकेट क्वान्टिटी ऑफ फास्टफेट और जो पोटास है वो अवेलेबल हो सके फार्मर को और इस पर उनका एक वैधानिक कंट्रोल हो स्टैचूटरी कंट्रोल प्राइस उनको इसके तहत मिल सके इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो एम है यूनिट बेस्ड सब्सिडी स्कीम का इसका उद्देश्य यह है कि जो स्कीम इंश्योर कर सके सफिशियन क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोइट और पोटास का एट द फार्मर्स के डिस्पोजल के लिए जिससे कि उनका जो प्राइजेस हैं वह इसके लिए एक स्टैचूटरी कंट्रोल हो और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ इससे सुनिश्चित की जा सके और जो फार्मर्स एक बैलेंस्ड न्यूट्रेंट एप्लीकेशन सॉइल के अंतर्गत वह इंश्योर कर सके इस इंश्योर से क्या होगा जो बैलेंस वे यूज़ करेंगे बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेंगे तो इसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी साथ ही साथ जो हमारी इंडिजीनियस जो हमारी इंडिजीनियस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जा सकेगी और जो सब्सिडी का जो बोझ पड़ रहा है सरकार के ऊपर उसको भी कम किया जा सकेगा अगर हम न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट की जा रही है विथ एक्सपेक्स एक्सेप्शन ऑफ कि इससे इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन को इंप्रूव करेगी सॉइल के साथ ही साथ ये इंक्रीज करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जिससे जो फार्मर्स हैं उनको एक बेटर रिटर्न मिल पाएगा तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया न्यूट्रेंट बेस सब्सिडी स्कीम से संबंधित इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी थैंक यू